हमारे भारतीय जवान किस तरह से हनी ट्रैप के शिकार हो रहे हैं, इसका एक मामला पिछले दिनों सामने आया है। और अभी तक की जो पूछताछ हुई है सेना को, उसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई महिलाओं के माध्यम से भारत की सैन्य संबंधी जानकारियां इकट्ठा करता है। आईएसआई से जुड़ी महिला एजेंट भारत के सामरिक ठिकानों पर तैनात जवानों से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करके अपने जाल में फंसाती हैं। पिछले दिनों जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के टैंक यूनिट में तैनात जवान सोमवीर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आईएसआई महिला एजेंट ने अनिका चोपड़ा के नाम से फेसबुक आईडी बना रखी थी। उसने अब तक करीब 4 दर्जन जवानों को अपने जाल में फंसाकर खुफिया जानकारी इकट्ठी की है। जवानों से बात करने वाली महिला कराची की रहने वाली है और यह पता चला है कि सोमवीर ने हथियारों तथा टैंक के फोटो अनिका चोपड़ा को भेजे थे और इसके बदले उसको पैसे मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस तथा सेना के अधिकारियों का कहना है कि अनिका चोपड़ा सोमवीर सहित अन्य जवानों से न्यूड होकर व्हाट्सएप कॉल करती थी। सोमवीर के खिलाफ स्पेशल पुलिस स्टेशन जयपुर में शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।